देख रहे हो भाई कैसा लग रहा हूँ। तो गैस करो कहाँ जा रहे हैं हम। बहुत ही स्पेशल जगह, बहुत बढ़िया चीज़ दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो चलते हैं, अब तैयार हो गए हैं। मम्मी को भी लेके जा रहे हैं। ये देखो मम्मी मेरी कितनी सुंदर बन के आ रही है। शादी भी जा रही हूँ मम्मी किसी की। हैं क्या करने जा रही हो, कहाँ जा रही हो? हवन पे जा रही हूँ। किसका हवन? जिम का। ओहो, जिम खोला आपने? सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, भास्कर पावर लिफ्टिंग अकेडमी पे, एथलेटिक मसल जिम। ये है ओनर बच्चे जिन्होंने सारा जिम सेट करा है। भाई ये हमारा हवन की तैयारी हो रही है और ये है हमारा बड़ा सा जुम्बा सेक्शन। काफ़ी बड़ा स्पेस है, थोड़ी सी साफ सफाई और थोड़ा सा काम रह रहा है, बस फिर तैयार है हमारा जिम। ये सारा जिम एरिया, वहाँ से वहाँ तक ये पावर लिफ्टिंग एरिया। अभी एक और प्लेटफॉर्म आना है डैड का, यहाँ आएगा आगे। पंद्रह दिन के लिए जिम बंद था हमारा क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे थे जैसे कि मैंने बताया था। तो अब जो नया एड्रेस है वो RZ9 पालम विहार द्वारका सेक्टर 6 बैक साइड ऑफ मणिपाल हॉस्पिटल। मणिपाल हॉस्पिटल इसकी
आप वो लोकेशन समझ सकते हैं, मणिपाल हॉस्पिटल के जस्ट बैक साइड पे है, तो सेक्टर 6 द्वारका। तो ये नया एड्रेस है हमारे जिम का और पावर लिफ्टिंग अकेडमी का। तो अब ये स्टार्ट है, तो आप लोग आ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। और बाकी हवन हो गया है, और जो हमारी संस्कृति है उसको भूलना नहीं चाहिए। उस शुभ काम शुरू करने से पहले, ओपनिंग करने से पहले हवन जरूरी था। ये पंडित जी हैं जिन्होंने हमारा हवन करा है। ठीक है पंडित जी, आशीर्वाद दीजिए। तो बाकी शुरू करते हैं, कल से स्टार्ट है। ऊपर बोर्ड देखिए, ये बोर्ड है और मणिपाल हॉस्पिटल करके दिखा दो उधर, तो लोकेशन समझ आ जाएगी। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हैं पप्पू। पप्पू पागल हो चुका है, ये वार्म अप इसलिए कर रहा है। हुआ है बिल्कुल जिम के पास पहुंच गए, भैया के पास आज ट्रेनिंग करने आया हूँ, कि थोड़ी साफ सफाई वगैरह मशीनें थोड़ी सी सेट होने रह रही थी। तो हुआ बस ये कि गाड़ी बंद हो गई, जिम के पास बिल्कुल पहुंच गए, तो पप्पू आया था। पप्पू का वार्म अप खत्म नहीं हुआ लगता है, पप्पू का वार्म अप खत्म नहीं हुआ है। खत्म हो गया सर। क्या हुआ गाड़ी में भैया? गाड़ी हीट से बंद हो गई है, ये चल जाएगी, मैं घर वापस पहुंच जाऊंगा। 100% अब वो रिलैक्स हो रही है, हम गर्म हो रहे हैं। ये हमारे एशियन चैंपियन मास्टर 1 कैटेगरी पप्पू, मिस्टर पप्पू। और वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। Yes, tell me. गाइस अब जा रहे हैं गाड़ी देखने, पता नहीं गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं होगी। टूटू नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही गाड़ी, लग रहा गाड़ी भी नहीं लेनी पड़ेगी राठी। लेते हैं, चलो इसको ट्राई करते हैं पहले। हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी को देखने, पकड़ राठी, चलो जी चेक करते हैं आज इसे। चेक नहीं, ये देख ये चलेगी नहीं चलेगी। चल गया भाई, कोई फ्यूज ही उड़ा है। क्या दिखा रहा है बैटरी का, उसमें क्या दिखा रहा है? हैं ये देख ना, फ्यूज उड़ा है, फ्यूज ही गया इसका। तो गाइस ऐसा है कि ना गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, अब रात के 11:30 हो चुकी है, अब 24/7 यूज किया जाएगा। अब मैकेनिक ढूंढो, दिक्कत होगी भाई ये तो। बंद कर इसको, जोड़ इसको। One eternity later. तो गाइस गाड़ी तो अभी तक ठीक नहीं हो पाई है, टो करवा रहे हैं गाड़ी को। तो तब तक भूख लग रही थी, तो हम आ गए हैं अभिषेक के साथ यहाँ पे, अंडे और मैगी और क्या लिया, पराठे, पिज़्ज़ा हम खा चुके हैं, भुर्जी हमारी पैक हो गई। देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं लिफ्टिंग के बाद। हाँ पप्पू, किसकी वीडियो बन रही है?
ये हम सब की बन रही है। क्या बना रहा भाई, कौन सा चैनल है भाई तेरा? इसकी वीडियो बन रही है ये पप्पू का डिनर हो रहा है, ये मैगी है। कैसा लग रहा पप्पू? एक नंबर एक नंबर। पब्लिक क्या बोलती है बाबा? वो जैसी गाड़ी खराब हो घर से बाहर निकाल देंगे घर वाले। तो भाइयों कल काफी लेट हो गए थे हम, क्योंकि रात को 2:30 बज गए थे गाड़ी घर लाते लाते। और तो आज से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट है अपनी एकेडमी में, भास्कर पावर लिफ्टिंग एकेडमी में।